हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। सबसे पहले जय माता दी आप सभी को। माता रानी का दरबार लगा हुआ है। तो आज उठ तो सुबह 4 बजे गई थी, लेकिन ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। तो जो भंडारा है वो माता रानी का आज ही विसर्जन होगा। पहले भंडारा होगा, तो भंडारा के लिए ना हमको कोई हलवाई नहीं मिल पाया, तो हम सब ने घर वालों ने मिल के बना रहे हैं। ये इधर फौजी साहब लगे हुए हैं, देखिए आपको दिखाएंगे अभी। तो बस आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ भंडारा अच्छा बने। और आप सब भी आ सकते हैं, अगर आप पास में हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे भंडारा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सभी भंडारा ये बनने के बाद फिर यहाँ से ही बटना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद से विसर्जन करेंगे माता रानी का। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। क्या कर रहे हैं जाना आप? मैं कल सुबह भंडारे की तैयारी कर रहा हूँ। माता रानी का भंडारा, तो कल का भंडारा उनको हलवाई मिला ही नहीं, तो हम सभी हलवाई बन गए हैं। अब कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। डैडी ने डिसाइड किया है कि हम घर के ही सारे लोग मिलके खाना बनाएंगे। एक दिन शाम का है, एक दिन पहले का, रात को जब हमें पता लग गया कि कोई हलवाई नहीं मिला, तो फिर हमने ना सारी सब्जी काट के रख ली। और यहाँ मैं और छोटी वाली और ये डैडी, हम सब ना व्रत का ही वो जो खाना खाते हैं ना हम सब लोग, वो डैडी जिस दिन ना अष्टमी, ये लोग अष्टमी व्रत थे पहला और आखिरी वाला, तो वो जो आलू और वो कूटू गाटा की पूड़ी बनाई हुई थी, तो वही हम तीनों खा रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे। मम्मा तो कन्हैया के पास ही बैठ के खाती हैं और हम लोग यहाँ खा लेते हैं, तो यहाँ हम डैडी के साथ ही बस वही खा रहे थे। और उसके बाद सुबह का ये लगभग 4 बज रहा होगा, सब लोग नहा चुके हैं। नहाने के बाद सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे फौजी साहब ने आटा स्टार्ट कर दिया लगाना, कम से कम 40 से 50 kg आटा था, तो वो उन्होंने ना सब लगा के रख दिया। और ये यहाँ सब्जियाँ बस कटना, जो जो सब्जियाँ पहले से नहीं आई थी सुबह मंडी खुलने पर आई, तो वो सुबह आके हमने लिए। डालना सब्जी में, सब्जी चढ़ गई ऊपर। सब्जी बनाने वाला सब्जी हमने बॉईल कर ली है पूरी, और अब ये तड़का लगाने जा रहे हैं फौजी साहब आपके। बस अब माता रानी बनाने वाली है, हम तो सामान डाल रहे हैं, जैसा बन जाएगा। आप तो जो नौकरानी, हम लोग नौकरानी है, माता रानी सब बनाने वाली है। भंडारे में कुछ भी गड़बड़ नहीं होना, सब माता रानी बैठी है। चमक ये तो सादा है।
भी जो खुद पहने हैं ना वे मथुरा वृंदावन वाले भी कपड़े कपड़े बनता होता ना तो जब सूती यहाँ मैं बना रही हूँ, मैं बैक कैमरे करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे ना हलवा बना रही हूँ कन्या को देने आ रही हूँ। हलवा और चना ये किचन में बनने के लिए बोला मम्मा ने, चना वगैरह और ये हलवा यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ जब तक ना। डालेंगे वो तो ये टिफिन में लगा के रख दूं जी। हां माता रानी वो लगा देना अभी तो ना तो माता रानी ना तो तनी हमने खाओ या तो ये थाली में उठा के कुड़ी में बैठे। हां रुक जा एक मिनट दिया यहाँ पे ना अभी भोग लगाने जा रही हूँ मैं। ये बना लिया हमने हलवा और चना। ये चना आपको यहाँ से चना काला क्यों दिख रहा है इसमें पता नहीं क्यों, ये मुझे लग रहा है ना कैमरे से दिख रहा है। तो अभी ये भोग लगाने जा रहे हैं माता रानी को अठौरी का। आप क्या लगता है क्या ये नौ अठौरी है? और अभी इधर ये बाप बेटे यहाँ पे पूरी सेवना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे सेक रहे हैं पूरी आपको दिखाऊँ पढ़ाई में इस तरीके से। अच्छा सी भी बहुत काम कर रहा है आज है ना। माला से ये सब लोग बना रहे हैं। माला आ गई माला नहीं रख दो माला चढ़ा दें ठीक है। यहाँ मैंने ना माता रानी का भोग लगाने के लिए जो है ना कन्या खाने से पहले जो अठौरी वगैरह के चढ़ाते हैं ना माता रानी को, वो मैंने यहाँ बनवा ली थी। और खाना बन गया था, खाना बनने के बाद ना यहाँ माता रानी को भोग लगा दिया। और जो देसी घी में जो पूड़ी वगैरह बना के करते हैं वो अलग से कर लिया था, तो यहाँ वही है। बस यहाँ भोग भोग लगाने के बाद से हम कन्या स्टार्ट करेंगे। कन्या का क्या था कि मम्मा ने ना वो जो प्लेट वगैरह वो सब देते हैं ना, तो वो 11 मंगाई हुई थी 11 लोगों को जिनको इनवाइट किया था। बट ना बहुत सारी कन्याएं आ गई थी, पर मम्मा ने बोला कि सबको घर में बुला लो, खाना सबको खिला दो। फिर ना उन सब के लिए नहीं हो पाया, तो यहाँ फिर ना फिर किसी को ही वो प्लेट्स नहीं दी वो प्लेट्स। फिर तो यहाँ पे बस वही ना ये छोटी वाली और मैं दोनों मिलके यहाँ पे ना जितने भी बाहर जितने भी कन्या या लंगूरा छोटे छोटे बच्चे जितने भी आए हुए थे सबको अंदर बुला के, फिर जो पत्तल भंडारे के लिए आई हुई थी ना जो देते हैं जिनमें हाथ में, बस वही उनमें ही बिठा के सबको खिला दिया। फिर जो इन्वाइट की थी वो मैंने ना क्लिप ले नहीं पाई है, जो इन्विटेशन वाली कहते हैं ना कि कन्या को हम घर में बुला के आते हैं वो वाली थी। फिर उनको जो प्लेट्स वगैरह था वो सब दिया, क्योंकि यहाँ सबके लिए हो ही नहीं पा रहा था, तो फिर सबको नहीं दिया। फिर सबको वही 10-10 रुपए देके बच्चों को, इतने खुश हो रहे थे सच में। और भंडारी की सब्जी को ये लोग कुछ खा के भी आए होंगे, सुबह तो खा नहीं रहे थे। और यहाँ पे ना माता रानी का साउंड चल रहा था इसलिए वॉइस ओवर करी नहीं, तो ये जो बच्ची है ना इसको इतना डांस करने में मज़ा आ रहा था तो ये डांस ही कर रही थी इसलिए साउंड बंद नहीं किया।
तो साउंड चल रहा था, सब बहुत अच्छे से भंडारी की सब्जी और चने इतने इंटरेस्ट से खाए हैं बच्चों ने, क्योंकि सबके यहाँ ना मीठा मीठा मिल रहा था, तो ये बच्चे भी सब बोल रहे थे मुझे ना आंटी वो दे दो सब्जी दे दो, बार बार नमकीन वाले चने दे दो सब्जी दे दो, तो बस वो नमकीन नमकीन खा रहे थे, क्योंकि इससे पता चल रहा था कि सुबह से ये सब ना सबके घर जाके मीठा मीठा खा के आए थे, तो मन इनका वैसा हो गया था, बहुत अच्छा लगा, दिल भी खुश हो गया कि मतलब बिना बुलाए इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, और सुबह बहुत अच्छा भी लग रहा था क्योंकि आज ही व्रत भी हम लोगों को खोलना था, तो बड़े अच्छे मन से सबको खिलाया, और ये भी था पहली बार देखा, वैसे तो हर बार हलवाई बनाते थे बट इस बार ना हम लोगों को पता चला हलवाई नहीं मिला, तो कोई भी नहीं मिला क्योंकि नौमी के दिन सब पहले से किसी ने बोल नहीं पाया, फिर कोई मिला नहीं, तो हम सब ने किया, तो हम सब के करने से भी बहुत कुछ सीखा मैंने कि हाँ इतनी मेहनत करने से एक अलग ही सुकून मिलता है, तो बहुत सच में बहुत अच्छा लगा, और ये बच्ची तो ये इतनी प्यारी थी, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी मेरे से, पर वही है कि साउंड चल रहा था ना, म्यूज़िक चल रहा था माता रानी का, नहीं तो मैं आपको सुनाती तो आपको भी हंसी आती। चलो ठीक है, तो एक काम करो ना भट्टी लगा तुम रख दो उसपे। तो सुबह का पूजन करने के बाद, बनाने के बाद, कन्या वगैरह सबको जिमाने के बाद से ना हम लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि भंडारा बटने का टाइम शाम को 4 बजे का रखा था, 4 बजे ही भंडारा बटेगा, तो बस यहाँ हम सब लोग खा के फिर शाम को भंडारा बटने के बाद तैयार होके तब विसर्जन के लिए जाएंगे जवारों को। इसको ना हटा दो, मशीन में डाल दो। तो अभी ना भंडारे का पूरा खाना बन गया, और कन्या वगैरह थी वो सब भी हो गई, और सफाई करनी थी ना पूरी, साफ़ सफाई भी कर ली हम लोगों ने। अब यहाँ पे अब शाम को माता रानी को हम लोग सिराने जाएंगे। ये हालत देखो सबकी कैसी हो गई, क्या करें अब, फ़ोन हटा दो, किसका कनेक्ट है ये, तो अब मैं ना जी जी नहीं लेटेंगे, अंदर अंदर वाले रूम में लेटे हैं, तो अभी हम ना चेंज करेंगे, साड़ी वाड़ी पहनूंगी, उसके बाद माता रानी का विसर्जन करने जाएंगे, क्योंकि मैंने आज सुबह से साड़ी पहन ही नहीं पाई, और अभी सूट पहन के नहीं जाएंगे, अभी विसर्जन के लिए साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होके कलर वगैरह लगा के तब जाएंगे। कैसी हालत हो गई आज सुबह 4:30 बजे से उठे हुए सारे लोग, सब थक गए, लाइट भी बंद है, लाइट सब लोग अब क्योंकि रेस्ट कर रहे हैं, मम्मा मौसी सब लोग, मम्मा मौसी इस वाले रूम में, लाइट बंद हो गई, कौन आया देखे ना, अब मैं लाइट नहीं जलाऊँगी, ऐसे ही क्लियर नहीं दिख रहा है ना आपको, सब लोग सो रहे हैं, हम ही बस सफाई वगैरह करनी थी ना। कौन आया, छोटू है, अच्छा ठीक है, पूरे बेड पे सो रहे हैं, मैं ना आपको दिखाती हूँ मेरा देवर, तो ये है मेरा देवर, ये देख लो, अब इसकी शादी होगी तब आपको ब्लॉग मिलेंगे बढ़िया वाले देखने के लिए। ये अभी पता नहीं है हमें, लाइट बंद कर रखी है, अंधेरा आ रहा है, पूरा लाइट जला दे भैया, एक और फौजी वाइफ तैयार हो गई है, भर्ती देख रहा है, भर्ती हो गया कि देख रहा है, देख रहा है अभी।